26 जनवरी को अनाउंस हुआ था और 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। जितने भी उसमें लड़के या तो कमांडो अफसर शामिल होते हैं और उनकी लगातार ट्रेनिंग चलती रहती है इस चीज़ के लिए, वो 3-3 महीने तक जंगलों में रहने के लिए अभ्यस्त होते हैं, तो चैलेंज है पर रोमांचक भी रहता है। बेसिस पे खोला गया ग्रुप था जो खुद के पढ़ने के लिए तैयार किया गया था, जिसमें हम लोग नीलेश सिंह थे, संगीता दी थी, संजीत थे, जुगनू जो हैं, उसके अलावा सौरभ है हमारा यहीं मलेपुर का ही, वो भी डिप्टी कमांडेंट है सीआरपीएफ में, बलबीर है और पंगड़ू राजेश के नाम जानते हैं आप लोग, विमल है, तो ये सारे दरोगा हैं लोग, ये लोग अभी बिहार पुलिस में। प्रधानमंत्री मोदी जी भी थे, अपने राजनाथ सिंह सर भी थे, उसके अलावा कई अनुराग ठाकुर सर थे, प्लस राष्ट्रपति महोदया थी, उपराष्ट्रपति भी थे, कई सेनाध्यक्ष थे वहाँ पे, वायुसेना, नौसेना, थल सेना, सीआरपीएफ के हमारे डीजीपी, काफ़ी बड़े सारे, लगभग आप मान चलें कि काफ़ी गणमान्य लोग थे वहाँ पे। नमस्कार, अपना जम्मू चैनल देखना शुरू कर चुके हैं पर मैं हूँ आपके साथ अभिषेक। देखिए, अपने जम्मू में जो है होनहारों की कमी है नहीं, आज ऐसे ही होनहार से आपको मिलवाने लाए हैं जिन्हें कि राष्ट्रपति के द्वारा जो है शौर्य चक्र से जो है सम्मानित किया गया है, तो वो कोई और नहीं है, वो जम्मू मलयपुर के विक्की पांडे जी हैं। आइए सीधे हम इनसे जुड़ते हैं। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें ताकि और भी लोग जान सकें कि जम्मू के लाल को भी जो है शौर्य चक्र मिला है। मैं विक्की पांडे, मेरा नाम विक्की पांडे है, मैं मलयपुर का ही निवासी हूँ और इसी वर्ष 2023 में, पिछले वर्ष 26 जनवरी को अनाउंस हुआ था और 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रपति भवन में शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, तो किस मकसद से, किस उपलब्धि के लिए आपको सम्मानित? ये शांति काल का वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार है और यह एक, मैं इसे अभी मैं वर्तमान में जमशेदपुर में पोस्टेड हूँ, मैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के नाम से जानते हैं आप, उसमें मैं अभी जमशेदपुर ग्रुप सेंटर पदस्थ हूँ। इसके पूर्व मैं कोबरा बटालियन 209 खूंटी में, झारखंड में ही पोस्टेड था। कोबरा बटालियन मेनली नक्सल अभियान के लिए ही खड़ी की गई है, 10 बटालियन हैं हमारी सीआरपीएफ में जो एक्सपर्ट है इस काम के लिए, तो मैं उसी में पदस्थ था। उस दौरान एक अभियान हुआ था, एक स्पेशल अभियान था जिसमें एक 25 लाख का इनामी माओवादी था, उसे मार गिराया गया था। पूरे मतलब काफ़ी बड़ा अभियान था, कई टीमें उसमें और कई बटालियनें शामिल हुई थी। उसी अभियान के उपलक्ष्य में ये वीरता का सर्वोच्च सम्मान जो आपको शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया था। आज आप जिस मुकाम पे हैं, सीआरपीएफ के कमांडेंट, सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट, तो कितना बड़ा चैलेंजिंग दौर रहा और प्रारंभिक पढ़ाई आपने कहाँ से शुरू की? बेसिक पढ़ाई, बेसिकली मैं आरा से बिलोंग करता हूँ, तो आरा से ही पढ़ाई हुई थी मैट्रिक तक मेरी। हाँ, लेकिन उसके बाद मैं इंटर और ग्रेजुएशन की पढ़ाई यहीं KKM कॉलेज से ही हुई है। और बाकी हमारा जो पूरा ग्रुप और सर्कल था, ये मलयपुर और जमुई के बीच कई दोस्तों के बीच था, तो हमारी पढ़ाई और तैयारी सब जमुई से ही हुई है। कितना चुनौतीपूर्ण रहा वो दौर, उम्मीद थी? हाँ, निश्चित रूप से। आपको मैंने बताया ही जैसा कि कोबरा बटालियन जो है एंटी नक्सल अभियान करने के लिए ही खड़ी की गई है, स्पेशल बटालियन है वो, और उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है पूरे टीम को, जितने भी उसमें लड़के या तो कमांडो अफसर शामिल होते हैं और उनकी लगातार ट्रेनिंग चलती रहती है इस चीज़ के लिए, वो 3-3 महीने तक जंगलों में रहने के लिए अभ्यस्त होते हैं, तो चैलेंज है पर रोमांचक भी रहता है। आज आप जिस मुकाम पे हैं, सफलता के उस मुकाम पे हैं, उसका श्रेय किसे देंगे? सफलता का श्रेय निश्चित रूप से माता पिता को ही दिया जाएगा, वाइफ है हमारी, धर्मपत्नी है, दोस्त हैं, मित्र हैं, जिनका सब लोगों का कुछ ना कुछ रोल 100% ही होता है हमारे जीवन में, हर आदमी का प्रभाव होता है हमारे ऊपर, तो इस सफलता का श्रेय सबको है, हमारे गुरुजनों को है जिन्होंने हमें गाइड किया, रवि भैया थे जो हम लोगों को मतलब इस मैंने पढ़ाई के क्षेत्र में हम लोग काफ़ी सहयोग किए, तो उनका भी सहयोग है, बहुत अच्छा सहयोग है। और मतलब हम लोग तो उसके बाद ही हम लोग इस चीज़ मतलब इस पढ़ाई, पढ़ने और पढ़ाने के दोनों के क्षेत्र में सक्रिय थे, हम भी काफ़ी दिनों तक थे, कई बच्चों को हम लोगों ने भी गाइड किया, क्योंकि हमें यह महसूस हुआ कि हाँ, जो हमें प्राप्त हुआ वो हमें लौटाना चाहिए समाज को, तो हमने ये भी उत्तरदायित्व तो हम लोगों ने निभाया था कुछ दिनों तक, और अपने आप में संतुष्टि महसूस करते हैं। एक जमुई में एक आपका ग्रुप हुआ करता था, काफ़ी उसकी चर्चा होती थी, तो उस ग्रुप में कितने लोग थे और क्या था उस ग्रुप का, थोड़ा सा कहानी हमारे दर्शकों को बताएं।
हम लोग का 8-10 लोगों का ग्रुप था, जेडी जीनियस इंस्टीट्यूट है जो नीलेश सिंह चलाते हैं, तो एक मतलब सेल्फ हेल्प बेसिस पे खोला गया ग्रुप था जो खुद के पढ़ने के लिए तैयार किया गया था, जिसपे हम लोग नीलेश सिंह थे, संगीता दी थी, संजीत थे, जुगनू जो हैं, उसके अलावा सौरभ है हमारा यहीं मल्लेपुर का ही, वो डिप्टी कमांडेंट है सीआरपीएफ में, बलबीर है और पंगड़ू राजेश के नाम जानते हैं आप लोग, विमल है, तो ये सारे दरोगा हैं लोग, ये लोग अभी बिहार पुलिस में। तो हमारा जो ग्रुप था 10-12 लोगों का ग्रुप था, अरुण भैया थे, तो सब लोग अपने अपने मुकाम में बड़े ही अच्छे अपने मुकाम स्थापित कर चुके हैं, अपना लोहा मनवा चुके हैं और समाज में जिस भी क्षेत्र में हैं, मतलब उनका एक योगदान अपने समाज के प्रति भी है और अपने परिवार के प्रति भी बड़ा योगदान अच्छा है, और जहाँ भी अच्छा काम कर रहे हैं वो लोग, तो हम मतलब ये कहेंगे कि हमारे हमारे ग्रुप का 100% का 100% का स्ट्राइक रेट है, सब लोग एकदम फुली प्लेस्ड हैं, मिलते जुलते रहते हैं हम लोग, सब लोग मिलते जुलते रहते हैं ग्रुप में जो है, काफ़ी जो है वो बताए ग्रुप के बारे में। एक सवाल लेंगे सर, सौर्य चक्र से संबंधित, वो क्षण जो है जब आपको सूचना मिली तो उस समय आप कैसा महसूस कर रहे थे और कहाँ थे? निश्चित रूप से सौर चक्र मिलना गौरव का विषय है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, यहाँ तक मैं कहूँगा मेरे बल के लिए, सीआरपीएफ के लिए, क्योंकि अभी करीबन 4.5 लाख की फोर्स है हमारी केंद्रीय पुलिस बल, जिसमें महज 25 से 30 के अंदर ही सौर चक्रधारी हैं, जो सौर्यवाड़ी लोग हैं वो हैं अभी, तो निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा और मेरे लिए सम्मान का विषय था। उस समय मैं वहाँ से ट्रांसफ़र होकर जमशेदपुर ग्रुप सेंटर में आ गया हूँ, मैं यहीं पदस्थ था, इसकी सूचना पिछले ही 26 जनवरी को उसकी पूर्व संध्या को 25 तारीख को अनाउंस होता है, और इसको 9 मई को एग्जीक्यूट हुआ था, 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में सौर चक्र से सम्मानित किया गया था। इतने बड़े बड़े चेहरे से राष्ट्रपति भवन में आपकी मुलाकात हुई थी? काफ़ी वहाँ पे गणमान्य व्यक्ति थे, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी थे, अपने राजनाथ सिंह सर भी थे, उसके अलावा कई अनुराग ठाकुर सर थे, प्लस राष्ट्रपति महोदया थी, उपराष्ट्रपति भी थे, कई सेनाध्यक्ष थे वहाँ पे, वायुसेना, नौसेना, थलसेना, सीआरपीएफ के हमारे डीजीपी, काफ़ी बड़े सारे, लगभग आप मान चलें कि काफ़ी गणमान्य लोग थे वहाँ पे, साथ में जो एवार्डी थे, एवार्डीज की फैमिलीज थी, शहीदों की फैमिली थी, तो एक बड़ा ही भावुक और रोमांचक दोनों ही क्षण रहता है वहाँ पर, और ये यादगार और मतलब जीवन पर्यंत याद रहने वाला वो पल है। अंत में मैं एक सवाल लेंगे सर आपसे, वैसे होनहार छात्र जो एक दो एग्जाम में पिछड़ जाते हैं, हिम्मत हार लेते हैं, उन्हें क्या संदेश दें? नहीं, हारने की और की आवश्यकता तो है ही नहीं बिल्कुल, आपको लगातार मेहनत करते रहना है, और जहाँ तक मेरा खुद का मानना है, पर्सनल मेरा खुद का मानना है कि जो भी आदमी शिद्दत से, ईमानदारी से अपने कार्यों को पूरा कर रहा है, अपने कर्तव्य के लिए जुड़ा हुआ है, पढ़ाई पर लगा हुआ है, तो वो निश्चित रूप से सफल होगा, निसंदेह निश्चित रूप से सफल होगा, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन होगा ज़रूर। और छोटी सी बात मैंने पहले भी कही थी, जिद होना चाहिए आपको उसको पूरा करने की, निश्चित रूप से आप पूरा करेंगे और सफल होंगे, हिम्मत नहीं हारना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर अपना कीमती समय देने के लिए। तो ये थे जमुई के लाल जो हैं, विक्की पांडे जी, जो सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट हैं। बाकी इस वीडियो को फिलहाल हम यही समाप्त कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।